मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही मुकेश ने कार स्टॉप की तो अनुष्का ने देखा कि वो लोग थिएटर के बाहर नहीं बल्कि एयरपोर्ट के बाहर थे। एयरपोर्ट आते ही लक्ष्य ने अनुष्का को कार के बाहर उतारा और थिएटर की बजाय अपने सामने एयरपोर्ट देखकर अनुष्का लक्ष्य से पूछने पर मजबूर हो गई कि क्या हम मूवी देखने नहीं जा रहे हैं? हम जाएंगे मगर फ्रांस में। लक्ष्य ने अनुष्का का हाथ पकड़ते हुए इतना नॉर्मली बोला जैसे कि उनका कोई बहुत ही पुराना प्लान था फ्रांस जाने का। ये सुनकर अनुष्का शॉक्ड हो गई थी। क्या मूवी देखने के लिए फ्रांस क्यों जाना? अनुष्का मन ही मन खुद को बड़बड़ा रही थी और फिर उसने लक्ष्य को एकदम से कहा, फ्रांस मगर क्यों? और मेरे पास तो वीजा पासपोर्ट और परमिशन भी नहीं है अभी। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। लक्ष्य ने अपनी पॉकेट से अनुष्का को पासपोर्ट निकालकर देते हुए कहा। अनुष्का ने अपना पासपोर्ट देखा जिसमें साफ साफ अनुष्का की फ्रांस जाने से वापस आने तक की परमिशन उसकी फोटो के साथ प्रिंटेड थी, जिसे देखकर बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता था कि वो फेक होगी। मगर लक्ष्य ने ये सब कब किया, अनुष्का मन में सोचती है। अनुष्का और लक्ष्य के साथ उनका लगेज भी नहीं था सिवाय उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे उसके। ये एकदम ऐसा था कि जैसे वो दोनों सिटी घूमने निकले थे और अचानक उन्हें किसी दूसरे देश में जाना पड़ रहा हो। जब अनुष्का और लक्ष्य दोनों फ्रांस की सबसे रोमांटिक सिटी पेरिस में पहुंचते हैं तो अनुष्का को ऐसा लगता है कि जैसे ये सब एक इमेजिनेशन हो या फिर कोई सपना। अनुष्का को लग रहा था कि अभी तो हम मेरे घर के बाहर थे और पलक झपकते ही हम दोनों किसी दूसरे देश में हैं। लक्ष्य ने मैनेज करके उन दोनों के लिए एक रेनॉल्ट कार हायर की। फ्रेंड्स के लॉ के हिसाब से वैसे तो ड्राइवर सीट राइट पर होती थी मगर फिर भी लक्ष्य बड़ी ही आसानी से कार को ड्राइव कर रहा था। होटल पहुंचते ही लक्ष्य ने अनुष्का को रिसेप्शन के सोफे पर रेस्ट करने को कहा और फिर वो होटल चेक इन करने की फॉर्मेलिटीज करने चला गया। कुछ ही देर बाद अनुष्का देखती है कि लक्ष्य उसे फ्रंट डेस्क से आवाज दे रहा था, हालांकि वो न्यू ईयर का पहला दिन था। सबकी हॉलिडे होने की वजह से बहुत सारे फॉरेनर्स होटल में चेक इन फॉर्मेलिटीज के लिए खड़े हुए थे जिसकी वजह से रिसेप्शन पर बहुत भीड़ थी। मगर लक्ष्य इतनी भीड़ में भी अलग दिख रहा था, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अनुष्का लक्ष्य के पास गई और उसने अपना हाथ भीड़ में से लक्ष्य को दिया और फिर लक्ष्य उसे लिफ्ट से होटल रूम तक ले गया। जो रूम लक्ष्य ने बुक किया था वो एक कपल्स सूट था जिसके बेडरूम में एक बहुत बड़ा बेड था। इतना ब्यूटीफुल डेकोरेटेड रूम और उसमें वो आलिशान बेड को देख के अनुष्का शर्माकर ब्लश करने लगी। लक्ष्य ने अनुष्का का हाथ पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो अपने हाथों की हथेली में गर्माहट महसूस कर पा रही थी। अनुष्का ने लक्ष्य से ये तक नहीं पूछा कि क्यों उसने सिर्फ एक ही रूम बुक किया था, और वैसे भी ये पूछना बहुत ही सिली क्वेश्चन होता क्योंकि जाहिर सी बात थी कि लक्ष्य वैसे भी उन दोनों के लिए दो रूम बुक नहीं करने वाला था। लक्ष्य एक 34 साल का एडल्ट आदमी था और माना कि उन दोनों ने अभी ही एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था, मगर फिर भी लक्ष्य ने अनुष्का के लिए ढेर सारे प्यार के साथ अपनी आग और अनुष्का के लिए सेडक्टिव फीलिंग्स को पहले ही जाहिर कर दिया था। अनुष्का को पता था कि जल्द ही लक्ष्य आज नहीं तो कल उसके साथ नजदीक आने वाला है और उसके साथ सोने भी वाला है। लक्ष्य का हर एक कदम अनुष्का की तरफ उसका एक ही इशारा कर रहा था कि वो उससे शादी करना चाहता था। लक्ष्य ने कभी अपने इंटेंशंस अनुष्का से नहीं छिपाए थे। जब अनुष्का लक्ष्य फ्रांस आने के लिए फ्लाइट में थे तब भी अनुष्का को पता था
कि उनकी ये ट्रिप मूवी देखने जैसी सिंपल तो कभी नहीं होने वाली थी। लक्ष्य के इंटेंशंस अनुष्का के लिए हमेशा से ही बहुत क्लियर और डायरेक्ट थे, जो लक्ष्य ने कभी नहीं छिपाए थे। फ्रांस तक की पूरी जर्नी के दौरान भी अनुष्का ये ही सोच रही थी कि उसे लक्ष्य के उन इंटेंशन से अग्री करना चाहिए या नहीं, मगर अनुष्का को पूरा भरोसा था कि लक्ष्य उसे नजदीक आने के लिए कभी फोर्स नहीं करेगा। अनुष्का का चेहरा उस कपल सूट के बेड को देखते ही एकदम गर्म पड़ गया था। अनुष्का के हाथ लक्ष्य के बड़े हाथों में थे, जिसमें लक्ष्य की उंगलियां अनुष्का की उंगलियों में बंद थी। अनुष्का ने अपना सर उठाया और लक्ष्य की तरफ बहुत प्यार से देखा। चलो चलते हैं मूवी देखने, लक्ष्य ने अपनी गहरी और मधुर आवाज में अनुष्का से कहा। लक्ष्य की इतनी गहरी और मधुर आवाज, जिसमें लक्ष्य की अनुष्का के लिए आग दिख रही थी, उसे सुनकर अनुष्का को बहुत ही अलग सा फील हो रहा था और वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। अगर तुम मुझे यूं ही इतनी प्यार से देखोगी तो मैं इस रूम के दरवाजे के बाहर नहीं जा पाऊंगा, लक्ष्य ने बहुत गहरी आवाज में अनुष्का के होठों के बेहद करीब आकर कहा। अनुष्का ट्राई कर रही थी कि वो कुछ ना कहे, पर लक्ष्य को इतना करीब से सुनते हुए उसका चेहरा ही नहीं बल्कि अनुष्का के कान भी एकदम गर्म पड़ गए थे। अनुष्का ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया था और वो लक्ष्य के गर्म होठों को उसकी आंखों और माथे पर फिरता हुआ महसूस कर पा रही थी। अनुष्का को यूं शर्माता देख लक्ष्य हल्का सा हंसता है। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।